गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई विकास और अभी लखनऊ में एक अच्छा लोकेशन है, रोज ही अच्छा रहता है, यहाँ शूट हो रहा है, अभी दिखाते हैं। अभी तो सबसे खास बात यह है कि मेरे सर जो है रेहान सर, वो मीडिया से बाइट दे रहे हैं, तो आप लोगों को मैं लाइव दिखाता हूँ, देखिए और मज़ा लीजिए। लखनऊ का कल्चर यहाँ का एनवायरमेंट, जिस तरीके से फिल्मों को शूट कर रहा है, जो फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। आइए बात करते हैं आज किसी फिल्म के सेट पर मौजूद हमारे साथ ड्रेस दादा, जो कि यूनिफॉर्म की व्यवस्था करते हैं, ड्रेस की व्यवस्था करते हैं कलाकारों के लिए। बड़ी अच्छी बात है, आप ही के कपड़े पहन के जो है सिल्वर स्क्रीन पे कलाकार जो है अपने परफॉर्मेंस देते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं जानना चाहूँगा सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियान अंसारी। मोहम्मद रियान अंसारी, बेसिकली आप मुंबई से? आपको मराठी आती है? मराठी आती है। चलिए बड़ी अच्छी बात है सर। आपको लखनऊ कैसे कैसा लग रहा है? लखनऊ में, लखनऊ के बारे में अपना अनुभव बताइए। मेरे को सबसे बेस्ट लखनऊ ही लगता है। अगर मैं बनारस घूमी रहती हूँ तो उसको छोड़ के मैं लखनऊ ही आता हूँ, बिकॉज यहाँ हमें हर चीज़ मिल जाती है, खाने के लिए, घूमने के लिए, और यहाँ की सारी रोडे इतनी क्लीन रहती है ना कि हमें टेंशन ही नहीं रहती, गंदगी इधर बिल्कुल नहीं रहती। सबसे बेस्ट लगता है मेरे को लखनऊ। यहाँ होटल भी एकदम VIP रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है। बाकी जगह तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है, कोई जंगल हो जाता है, कहीं गाड़ी नहीं जाती, लेकिन यहाँ हर 5 मिनट में ऑटो पकड़ लो पहुँच जाएंगे। खाने पीने की चीज़ में सबसे मेरा फेवरेट है, खाने पीने में कोई कहते हैं यहाँ पे चिकन खाते भी और पहनते भी चिकन का वो सब बॉम्बे लेके जाते हैं हमारे, मेरी मम्मी के लिए मैंने 3 अमीनाबाद से खरीदा, जो चिकन की कुर्ती आती है वो भी सस्ती भी मिलती है, अच्छी भी मिलती है, और चिकन बिरयानी हमारे होटल की बाजू में मिलती है, जो फेमस है मुरादाबादी, हैदराबादी, है खाने पीने बहुत तो मजा। आपके मित्रों, लखनऊ के खाने, यहाँ के पहनावे, यहाँ के साफ सफाई, यहाँ के कल्चर की बात जब कोई दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश से जुड़ा बंदा करता है तो सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि हमारे लखनऊ की कितनी तारीफ कर रहा है, कितनी अच्छाइयाँ हैं लखनऊ में। हमारे योगेश प्रवीण जो कवि हुए, यहाँ के हिस्टोरियन भी हुए, इतिहासविद योगेश प्रवीण ने ऐसे ही नहीं कहा था कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, ऊँचाए बाजार नहीं, इसके गलियों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी वादियों में फरिश्तों के पत्ते मिलते हैं। बड़ा अच्छा कहा था। थैंक यू प्रेस दादा, आपने अपना समय दिया हमें, हमारे चैनल लखनऊ वदन पर। थैंक यू। आप मुस्कुराते रहते हैं ना, बहुत मजा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखा ना, फर्स्ट टाइम अपने करियर में पहली बार सर ने बाइट दिया, वो भी मीडिया को। तो अभी उनसे हम पर्सनली पूछेंगे तो देखिए क्या मजा आता है पूछ के, क्योंकि आज तक कभी किसी मीडिया वाले से बात नहीं किए हैं। वो तो कर लिए, पता नहीं, मैं बोला सर कर लीजिए तो कर लिए, नहीं तो वो तब भी करते नहीं। तो अभी देखिए कितने के आप लोगों ने देख लिया ना। अभी अनिल भाई, अभी कुछ कहना चाहेंगे? अभी कुछ कहना चाहेंगे बाइट में? नहीं नहीं भैया, मेरे को नहीं पूछना। ड्रेस देख, कलमकार, कथाकार, कहानी कार, कलाकार, सरकार, जितने भी लोग हैं ना, कलाकार, कथा करा हुआ है, जिंदगी में कभी बाइट दी है मीडिया को? जिंदगी में कभी बाइट दिए हैं मीडिया को? कभी बाइट दिए हैं इस तरह? तो आपने कभी बोला नहीं ना? देखना तो उसमें बोले हैं आप। सॉरी गाइस, गलती हो गई, ये पहले ही बाइट दे चुके हैं मुझे, मैं देखा नहीं था तो बोल दिया। मुझे सुनना हो तो YouTube के हर चैनल पे सर्च मारेगा, जिस भी हीरो का नाम लेगा तो उसपे मेरे केदार जी का नाम लेगा तुरंत। ये इनका गुरूर है सर, देख लीजिए। नहीं, केदार जी का नाम।